हेलो फ्रेंड्स, निशा डिजाइनर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, निशा डिजाइनर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 8 साल के बच्चे का कुर्ता, नॉर्मल नेहरू कुर्ता जिसको बोलते हैं, फंक्शन वगैरह में स्कूल में मंगाया जाता है बच्चों का, तो उसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ। ये मेरे बेटे का है, देखिए, जिसके लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। मैंने पहले भी शेरवानी बता रखा है, आज मैं नेहरू कुर्ता नॉर्मल जो पहनते हैं गर्मी वगैरह में भी और किसी भी ओकेशन पे, जैसे 15 अगस्त पे झंडा वगैरह जब वो करते हैं स्कूल में फंक्शन, तो उसको पहन लेते हैं। तो ये ब्लैक कलर का मैंने कपड़ा लिया है, 2 मीटर है, देखिए 2 मीटर है। अब इसको पहले मैं नाप बता देती हूँ आप लोगों को। ये मेरा नाप है, चेस्ट 32 रखूंगी और वेस्ट 1/2 इंची कम रखूंगी और कंधे से जो कमर की लंबाई होगी 11 इंची होगी और मुड्डा 6.5 रखूंगी। तीरा इसका मैं 14 लूंगी, लंबाई इसकी 28 है, कॉलर इसका 12.5 रखूंगी और बाजू जो है इसका 16 है, मोहरी इसकी 4.5 लूंगी। चेस्ट अपने बच्चे की उसके फैट की उससे ले सकते हैं आप, जैसे कि आपका बेटा पतला है या बच्चा पतला है या मोटा है, उस हिसाब से आप चेस्ट अपने इंची टेप से लेंगे, मैं आपको बता दूंगी। और तीरा भी उसी हिसाब से लिया जाता है, बट जितना मतलब वेट है उसका उसी हिसाब से कपड़ा भी बनाना। मैं आपको, ये मेरे बेटे का नाप है, वो थोड़ा सा पतला है इसलिए मैंने ऐसे नाप लिया है, थोड़ा और अपने हिसाब के वेट से कम है उसका वेट, तो इसलिए ये नाप है उसका। तो मैंने नाप बता दिया है, लंबाई तो उसकी सही है उसकी उम्र के हिसाब से, तो लंबाई 28 ही बनाए, जैसे 8 साल के बच्चे का है 28, और आप शॉर्ट पहनाना चाहते हैं तो और भी शॉर्ट कर सकते हैं 27-26 इस हिसाब से, तो मेरा 28 लेंथ ठीक है मेरा। चलिए अब बनाना शुरू कर देते हैं, इसको ड्राफ्ट करेंगे पहले फिर उसको कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने ये फोल्ड कर दिया है, ये देखिए ये कपड़ा फोल्ड है हमारा। ये देखिए ये कपड़ा हमारा फोल्ड है और चेस्ट के अकॉर्डिंग ये कपड़ा फोल्ड करेंगे हम। हम 1 पीस कटिंग कर रहे हैं, पहले फ्रंट पीस कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम 1 पीस कटिंग करेंगे इसमें, क्योंकि बैक हिस्सा थोड़ा सा बड़ा रहता है इसकी वजह से। चलिए पहले तीरा ले लेते हैं, हम चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा फोल्ड करेंगे हम। हमारा 32 है तो इतना ये चीज आ रहा है, देखिए ये देखिए ये इतना मार्जिन आ रहा है, तो ओके हमारा, ये कपड़े का फोल्डिंग है जो हमने फोल्ड किया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जो है पहले तीरा लेंगे हम, तीरा हम लेंगे 7 इंची, थोड़ा सा कम कर लेते 7 से, और इसकी लंबाई होगी मुड्डे की लंबाई 6.5 है और इसकी छाती है 8 इंची, 32 है जो फोर किया हमने, और इसकी कंधे से कमर जो हम लेंगे 11 इंची है, और यहां से थोड़ा सा कम कर देंगे 1/2 इंची, और इसकी पूरी लेंथ ले लेंगे 28 आ रहा था हमारा,
मैं और कपड़ा इधर करके दिखा देती हूँ। ये 28 लिया है मैंने और यहाँ से मैं इसको 1 इंच करीब में बस मार्जिन रखूंगी, ज्यादा मार्जिन नहीं लूंगी मैं। ये इसका सीम है, ये इसका मार्जिन है। चलिए फिर से नीचे आ जाते हैं। और जो यहाँ से इसका कट रखूंगी मैं 11 इंची, यहाँ से देखिए मुड्डे पे से लिया है मैंने 11 इंची जो इसका कट होगा, खोलूंगी जो है इसका 11.5 कर लेते हैं, 1/2 इंची। और यहाँ भी 8 इंची लेंगे हम। और यहाँ से 1/2 इंची का ये मार्जिन है। और ये गोलाई करेंगे हम, थोड़ा सा गहर तक गोलाई करेंगे और इसमें मिला देंगे। और ये कमर है इसकी। और यहां से देख लें, यहां से 2.5 इंची नीचे आकर के ये जो कट हम रखेंगे जेब का होगा, और इसका जो खोलने का हाथ डालने का होगा 4.5 पे होगा। ये ओपन एरिया है, यहाँ जेब लगाएंगे हम, ये जेब का एरिया है। यहाँ से 2.5 इंची नीचे आकर के और ये 4 इंची हाथ डालने के लिए, और ये बाकी इसके नीचे आ जाएगा कट तक आपका। आप ये अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ज्यादा नीचे ऊपर होगा वैसे 2.5 या 3 पे रखते हैं इसको। मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेती हूँ इसको, 3, 3.5 कर लेती हूँ उसको। और यहाँ से 4.5, 1 इंची मैंने नीचे खसका लिया है। ये है मेरा जेब का हिस्सा। और इसको अब मैं इसमें मिला दूंगी, अब कट कर लेते हैं इसको। अब देखिए ये जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ से ये 1.5 इंची का गला लेंगे और यहाँ से 2.5 इंची का लेंगे कॉलर के लिए, थोड़ा वी शेप में देंगे। तो जो है इसका जो ये घटाएंगे 1 इंची घटाएंगे, 13 नीचे डाउन करेंगे जो अंदर के साइड आएगा, ये यहाँ से डाउन करेंगे, ये अंदर के साइड आएगा हमारा बैक हिस्सा। देखिए ये हमारा बैक हिस्सा है, इसको भी हमने फोल्ड कर लिया है, यहाँ पे फोल्डिंग है ये है। अब चलिए इस पे पहले हम इसको रख लेते हैं, ये फ्रंट हिस्सा हमने रखा है इसके ऊपर। देखिए ये फ्रंट हिस्सा हम रख लेते हैं। ये देखिए पहले मैं यहाँ से निशान लगा के आप लोगों को बता देती हूँ। और ये 1 इंची 1.5 इंची नीचे आएंगे, इसका कट होगा गले का 1 इंची यहाँ से। और जो है इसका 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेंगे हम, यहाँ से देखें ये 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेंगे, ये बैक हिस्सा है हमारा। निशान लगा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये गला था हमारा। अब यहाँ से जो 1.5 इंची का हमारा ये है निशान है ये गले का, तो यहाँ से ऐसे कवर करेंगे इसका, ज्यादा कट नहीं करेंगे। ये हमारा आगे फ्रंट का है, इसलिए मैंने आपको ये तीर के निशान लगाई है, जो 1.5 इंची बता रही थी मैं वो यहाँ पर आएगा।
अब इसको कट कर लेते हैं। देखिए जेब का कट डाल लेते हैं, दोनों साइडों में लगानी है तो हमें यहाँ पे जेब का कट है। ये हमारा कट हो गया पूरा, अब हम बाजू कट करेंगे। ये देखिए बाजू के लिए कपड़ा फोल्ड किया है मैंने यहाँ से। ये चार तह में है, देखिए टू ये है और टू नीचे वाला है, चार तह में हो गया। अब हमारा जितना चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग देंगे हम। चेस्ट हमारा वो एट है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, सेवन ही रखेंगे। बाजू का एक इंच माइनस कर दिया हमने। और लंबाई हमारा सोलह है, सोलह रख लेंगे। और यह मोड़ने के लिए ऐड कर दिया है। अब ये जो है ऊपर से यहां से तीन इंच नीचे आकर के और जो बाजू की शेप देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे जो हमारी मोहरी है साढ़े चार है, साढ़े चार करके एक इंच ऐड करेंगे इसमें और यहाँ पर इसको मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू है हो गई कटिंग। हम इसको कट कर लेते हैं बाजू पे ऐसे। ये एक तरफ तो हमारा निशान है, दूसरे तरफ और लगा के ताकि उल्टी सीधी ना हो हमारी बाजू। और इस तरफ हम कट डालेंगे इसको यहां से। ये हमारे बाजू कटिंग हो गई। अच्छा, चलिए इसको स्टिच करेंगे मशीन पे। उसके लिए ये कपड़ा हमने लिया है आगे के ठोके के लिए, दोनों तरफ का हो जाएगा ये। इसमें से कॉलर निकाल लेंगे। चलिए अब मशीन पे चलते हैं सिलने के लिए। जो इसकी काज बटन वाली पट्टी है वो बना रही हूँ मैं, काज वाला। तो मैं इसको पहले इसको चिपका लूंगी। ये एक इंची का मैंने बुकरम का कटिंग किया हुआ है पेस्टिंग, तो पहले इसको मैं चिपका लेती हूँ। और यहाँ से जो इसको मोड़ने के लिए छोड़ देते हैं और फिर यहाँ से इसका अभी चिपका के फिर मैं आपको बताती हूँ। पहले अच्छे से इसको चिपका लेंगे प्रेस से। देखिए फ्रेंड, ये जो है एक इंची जो ये ऐसे फोल्ड करके आएगा, ये ऐसे ये वाला हिस्सा। और ये एक इंची से एक्स्ट्रा लिया हुआ है जो स्टिचिंग करने के लिए। तो हम पहले इसको अच्छे से कटिंग कर लेते हैं बराबर इतना। और ये वाला हिस्सा हम इसको मोड़ लेते हैं प्रेस से। कुर्ते में लगाते हैं इसको। इसका फ्रंट हिस्सा हम निकालेंगे कुर्ते का, ये फ्रंट हिस्सा है। और इसको हम जो 11 इंची
ऊपर से जो हमने तीरे पे से रखा है इसको यहां से, ये देखिए यहाँ जो यहां से हमने 11 इंची का जो हिस्सा लिया था वो ये वाला हिस्सा है, ये वाला। तो यहां तक हम पहले कट कर लेते हैं इसको 11 इंची तक। हमने कट कर लिया है इसको 11 इंची तक, और इसका सीधा हिस्सा लेंगे हम ऐसे, और कांच वाला ये वाला हिस्सा रहेगा, बटन का ये वाला हिस्सा रहेगा। तो इसके ऊपर हम पहले इसको स्टिच कर देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर रखेंगे। ये सीधे हाथ पे ये वाला आएगा हमारा कांच वाला, और उल्टे हाथ पे सिंगल वाला है जो बटन लगेगा। चलिए अब इसको हम स्टिच करना शुरू कर देते हैं। उल्टे से ये देखिए, हमने ये उल्टा कपड़े पे हमने सीधा रखा है इसको, ताकि बाहर पलट के आए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर रख लीजिए इधर गले के साइड में, ताकि अच्छे से कट गोलाई में आ जाए। अब इसको ऐसे ही रहने देते, फिर हम ये वाली पट्टी लगाएंगे। अब ये वाली पट्टी लगाएंगे इस पे। इसके लिए हम सीधा का वैसे कपड़ा ले लेते हैं, एक किनारे का हमने कपड़ा ले लेते हैं, और इसको भी हमने कपड़ा ले लिया है किनारे का, ये किनारा है। अब इस साइड से हम इसको ऊपर रख के और ऊपर से सिलेंगे। पहले ये नीचे से सिला था, ये ऊपर, ये देखिए इसका मार्जिन बाहर दिख रहा है। अब इसका मार्जिन हम अंदर लेके जा रहे हैं। ये देखिए अब हमारे दोनों ही पट्टियां लग गई हैं। ये वाली पट्टी बाहर और ये वाली अंदर जाएगी। चलिए अब इसको अंदर कर लेते हैं। पहले इसको स्टिचिंग से ऐसे करके ऐसे अंदर की साइड दबा के, और इसको यूं ही ऐसे देखिए ये हमारा किनारा हिस्सा आ गया, और ये यहाँ से ऐसे हो गया। अभी निकलेगा भी धागा, यहाँ पे ऐसे आ गया ये। और जो इसका हिस्सा है बाहर लाएंगे और इसका अंदर लेके जाएंगे। इसको ऐसे कच्चा मार लेते हैं ताकि ये टेढ़ा ना हो नीचे से। ये यहां से कट कर देते हैं इसको। इसके बाद जो ये वाली पट्टी आ गई हमारी, इसको अंदर लेके जाएंगे हम। इस पट्टी को सीधा रखेंगे और कट कर लेते हैं। इसीलिए इस वाली पट्टी को हम सिलेंगे। देखिए ऐसे सिलाई करके इसको मोड़ कर, और इसके ऊपर ही सिलाई लेंगे हम।
यहाँ से जो कट है हमारा, यहाँ से हम इसको केवल 1.5 इंची तक नीचे रखेंगे और इसको कट कर लेंगे। इतना ये हमारा कट आ गया है यहाँ पे। अब इसको जो है ऐसे वी बना के ऐसे दोनों साइड तरीके से देखिए, नीचे से भी हमारा कट गया है, ऊपर से ऐसे ही ठोका बन गया है कुर्ते का और ये काज का हो गया है इस तरीके से। अब इसको जो है काज बटन का हो गया। अब इसका कंधा जोड़ लेते हैं पीछे का बैक। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया, कंधा जोड़ दिया। बाजू लगाएंगे, बाजू का हिस्सा देखिए पहले इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाला है। ये देखिए हम जो है यहाँ से ऐसे करके इसको कट डालेंगे, बाजू का जो बीच का हिस्सा आएगा यहाँ आएगा। ये देखिए जो और जो हमने ये 13 जोड़ा था ये आगे आएगा ऐसे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ऐसे कट डाल देते हैं, ये बीच का हिस्सा है हमारे बाजू का, बाजू लगाएंगे। ये जो निशान है उल्टा साइड है तो हम उसको देख कर ही लगाएंगे। ये बैक हिस्सा है तो ऐसे नाप लेते हैं पहले कितना आ रहा है, ज्यादा तो नहीं है हमारा। थोड़ा सा है तो हम दोनों तरफ 19-20 ऐसे कर लेते हैं ऐसे एक्स्ट्रा। दोनों बाजू हो गया हमारा। अब जेब की कटिंग करते हैं, जेब लगाएंगे। देखिए जेब के लिए मैंने कपड़ा कट किया है जिसकी चौड़ाई है 5 इंची, तो हमने वो चाहिए 4 इंची जेब। ये देखिए 4 इंची का जेब चाहिए, दोनों तरफ आधा आधा इंची मार्जिन है। और इसकी लंबाई बता देती हूँ, और इसकी जो 4.5 ये 5 का, ये देखिए 5 समझाने के लिए लगा रही हूँ, ये 5 और फिर
5 है और यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए हमें, यहाँ से 6.5 ले लेते हैं, यानी 3 भाग में हमने इसको बांट दिया है। ये जो ऊपर का हिस्सा है हमारा वो हमने 6.5 लिया है और इसको ही भी बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा चाहिए वाला हिस्सा हमें यहाँ से। और ये दोनों, ये जो नीचे का हिस्सा ये हम मोड़ेंगे ऐसे, अभी बता देती हूँ मैं, ये देखिए ऐसे करके इसको ऐसे मोड़ लेंगे। ये जेब है हमारा, देखिए हाफ में मोड़ा हमने और यहाँ सिलाई लगाएंगे। सिलाई के लिए पहले तो 1/2 इंची यहाँ से छोड़ेंगे और 1/2 इंची ऐसे लगाएंगे यहाँ पे। इसको सीधा कर लें ऐसे, सीधा करने के बाद में जो इसकी सेटिंग पूरी तैयार करें। देखिए इस साइड में ऐसे दिखेगा और इस साइड में ये हाथ डालने का है ये, तो चलिए अब इसको लगाते हैं कुर्ते में। कुर्ते के लिए पहले उसके पहले हम बाजू मोड़ेंगे, बाजू में सिलाई लगाएंगे। उसकी फिटिंग लगाएंगे, फिटिंग के लिए यहां से 4.5 इंची रखेंगे यहां से। ये देखिए जेब के लिए मैं कपड़ा मोड़ लिया है कुर्ते से। अब जो जेब का तरीका देखिए, ये जो हमारा कट का निशान है यहां से हमने खोला है और इसको भी हाफ करेंगे। देखिए इसको भी हाफ करेंगे,
और इसका जो ये वाला हिस्सा है ऊपर रखेंगे ऐसे, और इसको भी ये वाला हिस्सा भी ऊपर, और ये वाला स्लिप केवल ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से बीचों बीच अटैच करेंगे। एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए, जितना इधर उतना उधर रखें, इसकी सिलाई कर दें यहाँ। देखिए जेब भी हमारा सिल गया है, और यहाँ से ये अच्छा से आ गया है, ये बन गया हमारा। यहाँ प्रेस कर देंगे, एकदम बैठ जाएगा। इस तरीके से आप जेब लगाएंगे दूसरे साइड में। ये कपड़ा है देखिए, यहाँ पर हार डालने का हो गए, जेब लग गया है हमारा, थोड़ी सिलाई हो गई है। इसके लिए कॉलर कट करेंगे, तो कॉलर के लिए हम पहले नाप लेते हैं ना, ये पूरा ही लगाएंगे यहाँ से। बकरम नाप लेते हैं, ये भी कवर करना है, पूरा बकरम नाप लेंगे यहाँ से। प्रेस प्रेस कर लेते हैं, बैठ जाए ताकि
अब इसको अपने कॉलर में जोड़ेंगे। देखिए ये सीधे साइड में ही लगाएंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा कॉलर तैयार हो गया, एकदम राउंड आया है। देखिए ऐसे गोल है बिल्कुल। अब इससे नीचे का चाक मोड़ लेते हैं सारा। देखिए पूरा कुर्ता हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम काज बनाएंगे। काज एक यहाँ पर लेंगे और एक यहाँ लेंगे और एक ऊपर आ जाएगा, तीन वो लेंगे बटन काज इसमें। अरे पूरा तैयार हो गया हमारा कुर्ता। जेब भी हमने लगा दिया है, इस साइड में जेब है और ये पूरा कॉलर के साथ इतना खूबसूरती से तैयार हो गया है पूरा इस तरीके से। कोई बाजू हो गई हमारी। ये बैक हो गया, बैक भी सही आ गया एकदम बढ़िया।